कैसे प्रोजेक्ट को सामने वाले को समझाते हैं, मीन्स अपने क्लाइंट को कैसे समझाते हैं, और कौन कौन से स्टेप्स में क्या क्या प्राइजेस रखते हैं। क्वेश्चन बहुत ढेर सारे थे, मैंने सोचा है कि इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट में समझा दूंगा, जिससे कि अगर आप खुद के कोई प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, कंपनी खोले हुए और प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको फेस करना पड़ेगा, किस तरीके से क्लाइंट से डिस्कशन करना पड़ेगा, और किस तरीके से आप अपनी बचत निकाल सकते हो, यानी आप उस प्रोजेक्ट से पैसे भी अर्न कर सकते हो और साथ ही साथ कैसे प्रोजेक्ट सामने वाले को दो तो उसको भी फील हो कि नहीं यार मुझे कुछ अलग दिया है इन लोगों ने। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला, जैसे कि अभी मेरे पास एक प्लॉट आया था, तो प्लॉट था मतलब कि जो उनको उन्होंने मुझे प्लॉट दिया था वो लगभग 1800 स्क्वायर फीट था। कितना था? 1800 स्क्वायर फीट। दोस्तों आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ जो मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज होते हैं, जो मैं खुद फेस करता हूं, उन्हीं चीजों को आपके साथ डिस्कस करता हूं। सो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं करता हूं, जो मेरे प्राइजेस हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसको कहीं से कोरिलेट मत करिएगा, क्योंकि मैं दूसरों का नहीं जानता, जो मैं खुद कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास 1800 स्क्वायर फीट या 1600 स्क्वायर फीट लैंड है और मुझे एक घर बनाना है, तो मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूं कि अगर कोई प्लानिंग करना है तो सबसे पहला चीज दिमाग में आना चाहिए आपके कि कौन से फेस में है। मतलब उनको आप बताइए कि आपका जो ओपनिंग होगा वो कौन से फेस में होगा। तो वो बोलेंगे हो सकता है ईस्ट, हो सकता है वेस्ट, हो सकता है नॉर्थ साउथ, इन तरीके से कई डायरेक्शंस आपको देंगे। उसमें से आप उनको बताइए कि हम आपका जो भी घर बनाएंगे वो बनाएंगे वास्तु के अकॉर्डिंग। उससे क्या होता है, उससे क्लाइंट को लगता है कि यार इस बंदे के अंदर ज्यादा नॉलेज है और ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएगा तो मेरे घर को अच्छा बनाएगा, तो उसके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है। और ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में ट्रस्ट, क्योंकि आपको पता है लागत कितनी ज्यादा लगती है इस बिजनेस में। और मैं खुद भी जितने घर बनाता हूं तो कोशिश करता हूं कि 90% वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाऊं। अब 10% तो आप सबको पता है कि फॉलो करना मुश्किल होता है, मैंने बताया भी है वास्तु के बारे में एक वीडियो में, आप वीडियो देख लीजिएगा तो आप सीख जाएंगे वास्तु के बारे में। और डीप नॉलेज चाहिए आपको वास्तु के बारे में तो कमेंट करिएगा, सर थोड़ा वास्तु के बारे में और बताइए। तो अब हम उनसे बात करते हैं कि देखिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो वो लोग हमें रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हम इतने भाई हैं, हम लोग इतने लोग रहने वाले घर में, ऐसे ऐसे रहने वाले हैं, इसमें से इतने लोग फिक्स हैं, इतने लोग आते जाते रहते हैं, इस तरीके से आपको बनाना है। ड्राइंग रूम चाहिए हमको, हमको बाथरूम अटैच चाहिए या डिटैच चाहिए, जैसा भी उनको बाथरूम की रिक्वायरमेंट है, उनको मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको जो जो रिक्वायरमेंट्स है सारे रिक्वायरमेंट आप उनके सुनिए। और रिक्वायरमेंट सुनने के बाद एक अच्छा सा प्लान बनाइए, और प्लान बना के अब उसका 3D बनाने की कोशिश करिए। आप सोच रहे होंगे सर प्लान बनाऊं फिर 3D बनाऊं। हाँ, प्लान अगर बना के आप सीधे क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट को कम समझ में आता है प्लान के बारे में। जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है वो बोलता है ये क्या बनाया हुआ, ये रूम कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, ये बाथरूम कहाँ रहेगा, एग्जैक्टली कैसे दिखेगा। आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप अपने नजरिए से मत देखो, आप ऐसे देखो कि एक सामने वाला क्या सोचेगा, कैसे वो दिमाग में लगा पाएगा कि, क्योंकि नॉन सिविल इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियर नहीं है ना, अगर उसको समझ में आता तो खुद से बना लेता। तो उसको समझाने के लिए अच्छी बात होगी कि आप एक अच्छा सा प्लान ड्रॉ करो, और प्लान ड्रॉ करके उसकी 3D तैयार करो। मैं आपको बता दूं 3D तैयार करना ही आपका एक प्लस पॉइंट होता है स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आप पाने से। मतलब कि अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए और अगर आपने अच्छा सा लुक उसका तैयार कर दिया तो समझिए कि क्लाइंट वहीं से माइंडसेट कर सकता है कि यार इस बंदे को ही मैं प्रोजेक्ट दूंगा। क्यों? क्योंकि जितना बेहतरीन आप 3D बना के दे देंगे उसके माइंड में उसी तरीके के ड्रीम्स होते हैं उस घर के लिए, और वो सोचेगा चलो इतना अच्छा घर बनने वाला है, तो थोड़ा बहुत अगर कॉस्टली भी है तो समझ आता है कि चलो डन है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका प्राइस क्या मुझे करना रखना चाहिए, मींस क्या कॉस्ट रखना चाहिए। तो देखो ये मैं जो बता रहा हूँ ये पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पूरा विथ मटेरियल पूरा प्रोजेक्ट लेते हैं, मींस जो भी पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट है उसका विथ मटेरियल ले लेते हैं, और हम लोग डिजाइनिंग और उसके साथ ही साथ एग्जीबिशन सब कुछ करके देते हैं, कंप्लीट आपको की दी जाती है। अब में से कई ऐसे लोग होंगे जो नॉन सिविल इंजीनियर होंगे, जिनको अपने घर बनवाने होंगे या फिर अपने अपार्टमेंट्स बनवाने होंगे, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं खुद विथ मटेरियल पूरा काम करके आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आपने अभी अभी नई ओपनिंग कंपनी खोली हुई है, तो आप सोच रहे होंगे सर अभी मुझे कैसे कोई दे देगा विथ मटेरियल। करेक्ट, मुझे भी 5 साल तक कोई नहीं दिया विथ मटेरियल। तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें आपको चार्ज करना चाहिए। प्लानिंग के लिए जो मैं चार्जेस लेता हूँ वो लेता हूँ 3 रुपीज स्क्वायर फीट। कितना लेता हूँ? 3 रुपीज स्क्वायर फीट। कितना रहता हूँ? 3 रुपए स्क्वायर फीट। तो जितने भी लोग क्लाइंट है वो लोग समझ सकते हैं, उनको अगर प्लानिंग करवाना है तो मेरे से कर सकते हैं,
और जितने लोग खुद अभी अपनी कंपनी खोल रहे हो, जैसे जो मेरे स्टूडेंट होंगे या मेरे सब्सक्राइबर होंगे, मेरे फ्रेंड होंगे, आप लोग भी 3 रुपीज स्क्वायर फीट चार्ज कर सकते हो। एक अच्छा चार्ज है किसी भी लैंड की प्लानिंग के लिए। मेरा क्या मानना है, मैं जब प्लानिंग करता हूँ तो बहुत टाइम लेके प्लानिंग करता हूँ, इन द सेंस कि जो मैं बनाता हूँ बहुत परफेक्शन के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। सामने वाला उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाला है, उसके कई लाख रुपए लगने वाले हैं, और अगर हमने जल्दीबाजी में उसके प्लानिंग को खराब कर दिया तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। तो मैं आपके साथ रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि उन्होंने 500 रुपए दिया तो मुझे जल्दी जल्दी से करके देना है, कैसे भी करके दे दूं। नहीं, आप मत करिए 500 रुपए में। मैं नहीं करता हूं किसी का भी 500 रुपए में। जितने लोग मेरे फ्रेंड होंगे वो बोलते हैं मुझे कि यार इसको पूरे पैसे चाहिए होते हैं। रीजन यही है कि मैं जब प्लान करता हूं तो प्रॉपर बैठता हूं, सोचता हूं, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 4 दिन भी लगे हैं मुझे अच्छे अच्छे प्लानिंग करने में। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या 2 दिन बैठना, 4 दिन क्या बैठना, उसमें तो केवल लाइन ड्रॉ करना होता है। बिल्कुल भी नहीं। आप अगर एक प्लानिंग सही से नहीं किए, अच्छे तरीके से उसको डिजाइन नहीं किया कि कहाँ पे कौन सा रूम रखना है, कहाँ से कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, लाइफ टाइम वो वैसे की वैसे ही चीजें फिक्स होने वाली है। और अगर आप सोचिए कि आप किसी का एक घर बनाया अच्छा सा और अपार्टमेंट बनाया, एक बार अगर वहां पे किसी ने एंट्री किया और देखा और उसने कहा वाओ क्या घर है यार, कौन बनाया, किसने इसका डिजाइन करके दिया, तो वहां पे आपका नाम आने वाला है और उस घर को देखने के लिए एटलीस्ट 100 लोग तो आने वाले हैं। 100 लोगों में से 10 लोग आपके फ्यूचर क्लाइंट हो सकते हैं अगर आपने बेस्ट क्वालिटी दी है वहां पे। तो पैसे ज्यादा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 को मत बनाइए, 10 को बनाइए। क्यों? क्योंकि ये 10 100 अपने आप क्लाइंट दे देंगे। दूसरी चीज, जब लोग यहां पे देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं हमने कोई काम करके दिया है। मीन्स थोड़ा सा अलग आपको एंटिक बनाना है, जिसको मैं बोलता हूँ यूनिक बनाना है चीजों को। तो जब यूनिक बनाते हैं लोग आके देखते हैं, बोलते हैं अच्छा है यार, और आपको इतना ज्यादा कि एक क्लाइंट से आपके 10 क्लाइंट बनते चले जाते हैं। वहीं पर आपने अगर एक क्लाइंट खराब किया तो आपके 10 क्लाइंट खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोले क्या यार, क्या घर बनाया यहाँ पे, यहाँ पे बाथरूम देना चाहिए, बताओ यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, तो मन तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हो। और उससे होता क्या है कि आपका या हमारा नाम मार्केट में खराब होने लगता है। सो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लानिंग 3 रुपए स्क्वायर फीट करिए। मैं मॉडलिंग के लिए 6 रुपीज स्क्वायर फीट लेता हूं, और मॉडलिंग भी मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। मैं रेंडरिंग करता हूं 3ds Max से, लाइटिंग करता हूं 3ds Max से, मॉडलिंग जनरली मैं करता हूं रेविट आर्किटेक्चर पे, रेविट आर्किटेक्चर से मॉडल को लेकर जाता हूं 3ds Max पे, वहां रेंडर करता हूं। कभी कभी मैं गूगल स्केचअप भी चला लेता हूं, उसके थ्रू भी कर लेता हूं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी क्वालिटी बेस्ट हो जाती है और सामने वाला अट्रैक्ट होता है उस चीज से। और जब उसने डन कर दिया उस प्रोजेक्ट को, तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लेनी चाहिए उसका। स्टैट प्रो या ईटैप किसी भी एक सॉफ्टवेयर में स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन हो जाएगा। और उसके डिटेलिंग के लिए आप RCDC यूज कर सकते हैं, और RCDC के थ्रू डिटेलिंग ले सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर का जो ड्राइंग है उसको कितना, उसका क्या चार्ज करना चाहिए, स्ट्रक्चरल ड्राइंग का क्या चार्ज करना चाहिए। तो जनरली जो मैं चार्ज करता हूं उसके लिए 5 रुपीज स्क्वायर फीट करता हूं। दोस्तों आप 5 रुपीज स्क्वायर फीट कर सकते हो, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है कि अभी एक दो लोगों को मैंने देखा है कि वो 1 रुपए 1.5 रुपीज इतने कम में वो लोग क्या करते हैं, डिजाइन करके दे देते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि पहली बात तो ये कि आप कभी भी बेहतरीन डिजाइन कर ही नहीं सकते अगर आप 1 रुपए और 1.5 रुपए में कर रहे हैं। आप बोलोगे सर पैसे से नहीं होता, बात पैसे की नहीं यार, बात है टाइम देने की। अगर मैं 2 दिन दूंगा तो 2 दिन का मैं उस तरीके से तो चार्ज लूंगा। अगर मैं 1 घंटे में उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करके दूं, मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है, मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिजाइनिंग 1 घंटे में करके दे सकता हूं। बट उसमें परसेंटेज ऑफ स्टील अगर मैंने सही तरीके से दिया तो उसका स्टील का मैं परसेंट कम कर सकता हूं, और से क्या होगा, स्टील के पैसे सेव हो सकते हैं और आपकी बचत हो सकती है। मैंने लिया तो था 5 रुपए स्क्वायर फीट, लेकिन मैंने आपको, अगर आपका 1 लाख रुपए का स्टील मैंने बचवा दिया तो सोचो कि कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट हो गया। तो आप क्लाइंट को समझाइए कि मैं स्ट्रक्चर की एनालिसिस करूंगा तो इसमें स्टील भी बचेगा, कंक्रीट भी बचेगा, जितने की जरूरत है मैं उतना ही मटेरियल दूंगा, और मैक्सिमम मेरा चार्ज तो कितना होगा, 5 से 10 हजार रुपए होगा, 20 हजार रुपए होगा, लेकिन मैं आपका कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट करके आपको दे दूंगा। जब इस तरीके से उसको समझाएंगे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में तो जरूर समझेगा कि हाँ यार इसने मॉडलिंग बेहतरीन करके दी है, प्लानिंग बेहतरीन करके दिया, तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर्स पे भी बहुत फोकस करेगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं कंप्लीट, तो आप बिलीव करिए कि अगर आपने 2 प्रोजेक्ट भी मार्केट में करके दे दिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आपके पास टाइम नहीं रहेगा प्रोजेक्ट करने का।
बिलीव करिए। लेकिन अगर आपने दो प्रोजेक्ट खराब करके दे दिए, बिलीव करिए आप फिर से घर पे बैठने वाले हो। सो प्लीज, अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, पैसे से नो कॉम्प्रोमाइज। मैंने आपको पैसे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि कितना मार्केट में आपको लेना चाहिए, इससे कम में मत लीजिए। एक तो इससे कम में लेने से आप सिविल इंजीनियर के क्रेडिट भी कम कर रहे हो, प्लस काम में भी आप कमी कर रहे हो, मीन्स काम में भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि हम अपनी सोसाइटी को इतने अच्छे प्राइजेस पे, उसके जो रेट है, स्टैंडर्ड रेट है, वही लें। कम रेट में पैसे ले पे लेके आप काम करोगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं विथ मटेरियल क्या चार्ज करता हूं, और साथ ही साथ उसके आगे भी और बहुत सी चीजें होती है जिनको मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या चीजें हम लोग ध्यान देते हैं, मटेरियल का ध्यान देते हैं, मटेरियल कहां से लेके आना है, कहां पे मुझे सस्ते मटेरियल मिलेंगे, ये सारा कुछ चेक करते हैं हम लोग, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको समझ आया होगा कि हमको प्लानिंग के लिए कितना चार्ज लेना है, 3 रुपीज स्क्वायर फीट, मॉडलिंग के लिए लेना है 6 रुपीज स्क्वायर फीट, स्ट्रक्चर के लिए लेना है 5 रुपीज स्क्वायर फीट, और किस तरीके से क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से क्लाइंट को अच्छा देना है या बेस्ट कंटेंट दो, ऐसी चीजें दो क्लाइंट को कि क्लाइंट बोले कि यार जो घर बनाया है ना अलग ही बनाया है। जो लोग उसको देखने आए वो बोले कि यार पैसे तो मैंने लगाया था, बट जो चीज दे दिया इन्होंने कि अच्छा खासा, मतलब थोड़ा सा घर अट्रैक्टिव उनको बनाओ, क्योंकि उनका वो ड्रीम होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी, अभी मेरा खुद का मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग भी घर लेंगे, तो हम लोग घर जब बनाएंगे तो उसका क्या चीज़ थॉट लेने वाला हूँ मैं। अब सोचो मैं खुद का घर के लिए मैं कितना सोचूंगा, क्या क्या सोचूंगा, और वो सब कुछ मैं करने की कोशिश करूंगा। तो बिलीव करिए, ये जो अगर आपने एक बार ट्रस्ट फैक्टर बना लिया अपने क्लाइंट के साथ, अपने क्लाइंट को दोस्त समझिए और उसको समझाइए कि देखो यार मैं तुम्हारा ऐसे ऐसे बेस्ट करने वाला हूं, ऐसे ऐसे तुम्हारे पैसे सेव करने वाला हूं, बिलीव करिए प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। प्रोफेशनल भी रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं करते तो मैं बताऊंगा बाद में क्या लफड़े होते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स होती है सिविल इंडस्ट्री में, ये बहुत होता है, वो सब के बारे में आगे के वीडियोस में डिस्कस करूंगा। इस तरीके के सिविल से रिलेटेड रोचक तथ्यों को जानने के लिए मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ मेरा एक चैनल है आकाश पांडे ब्लॉग करके, यार जाके उसको भी सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसको भी, मैं इस चैनल पे मैं सिर्फ एजुकेशन देना चाहता हूं, जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं उस चैनल पे शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, सो दैट कि थोड़ा सा क्या होगा कि चलो वो चैनल ऐसा होगा कि हम अपने क्लाइंट के बारे में बताएंगे कि मैं क्लाइंट से कैसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं थॉट कर रहा हूँ, प्लानिंग के बारे में क्या थॉट कर रहा हूँ। थोड़े ज़्यादा लोग हो जाओ वहाँ पे, तब मजा आएगा उस चैनल पे जाने के लिए मुझे। सो प्लीज़ जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, साथ ही साथ कम्युनिटी पे भी उसका लिंक दे रहा हूँ।